हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट्स मुझे ज़रूर करना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा रूल नंबर 34। अब ये रूल नंबर 34 जो है ना, उसमें से कई कमेंट्स मुझे आएंगे कि सर ये हमने पहले भी देखा है, आपने पहले भी इसे कहा है। हर वक्त थोड़े से रूल कभी कभी थोड़े थोड़े सेम होते हैं, मतलब पॉइंट्स एक दूसरे में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि ये रूल नंबर है क्या, 34 है क्या। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। मतलब क्या होता है, अपने खुद के फैशन में शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें। ये ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं किया गया है उसका, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप राजा दिखते ही नहीं हो, अगर आप भिखारी दिखते हो, तो आप राजा बन कैसे सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। ये कहता है कि एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अगर आपको चाहिए कि लोग आपको मान सम्मान दे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एजुकेशनल या साइंस कॉन्फ्रेंस में गए हो, साइंस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हो और अगर आपको चाहिए कि लोग आपको आपका सम्मान करें, और अगर जाते समय आपने फटी हुई जीन्स, एक फंकी टी शर्ट और एक गोल्डन ऐसे कट किए हुए फंकी बाल कटिंग किए हुए इस पहराव में आप अगर गए, तो आपको कोई अंदर भी घुसने नहीं देगा वहाँ पर। या फिर आप किसी फाइव स्टार होटल में जा रहे हो और वहाँ पे एकदम एकदम पुराने से सिंपल से कपड़े अगर पहने हैं, तो अंदर तो जाने को मिलेगा, लेकिन वो वॉचमैन पूछेगा, यस सर व्हाट आई कैन डू फॉर यू। डेफिनेटली, तो जहाँ आपको जाना है, जो आपको पाना है, उसकी तरह आपको पहले तो दिखना होगा, बिकॉज मैनी टाइम्स द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता, आदमी धीरे धीरे जान के आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। अरे लेकिन कब चलेगा, जब आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो ना। अगर आपको वहाँ पे ग्रुप में लिया ही नहीं किसी ने, अगर आपको एंट्री नहीं मिली, तो आप कहाँ आपका कर्तव्य या आपके गुण दिखाने वाले हों। तो कोई भी कुछ भी कहे, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज मेनी टाइम्स अ लास्ट इम्प्रेशन, बिकॉज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट अ सेकेंड चांस। सेकेंड चांस ही नहीं मिला आपको तो क्या फ़ायदा। और ये बात आपने क्रिकेट में बहुत बार देखी होगी, किसी प्लेयर को पहला चांस मिला, वहाँ वो कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद वो क्रिकेट से ही आउट हो गया। भले उसमें बहुत ही अच्छी बैटिंग या बॉलिंग कुछ भी रहेगा, स्किल्स रहेंगे, और वो दिन उसका ख़राब है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड चांस तो मिला ही नहीं। तो आपको हमेशा लाइफ में याद रखिए, आप ये मान के चलिए कि आपको हमेशा एक ही चांस मिलेगा। सेकेंड चांस अगर मिला तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको ग्रांटेड नहीं लेंगे कि मुझे सेकेंड चांस मिलेगा। एवरी टाइम वी विल थिंक दैट वी विल गेट वन एंड ओनली वन चांस, एक ही चांस हमको मिलेगा बस, और उसी में हमको खुद को सेल करना है, हमको खुद को प्रोजेक्ट करना है। जो सेल्समैन है, जो सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चलेगी। अभी मार्केटिंग में आजकल लड़कियां ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि लड़कियों के अपीरेंस से उनके ये उनके लिए एक विश्वास होता है कि ये कुछ गलत नहीं कर, लड़कियां कुछ गलत नहीं करती, ऐसी ऐसा एक इल्यूजन, एक झूठा विश्वास लोगों के मन में होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा होती है, तो ये उनका इम्प्रेशन होता है। आप देखिए ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन, आपने ये सोचा होगा, लेकिन आप खुद के बारे में सोच के देखिए। आप किसी दुकान में जाते हो, या किसी शादी में जाते हो, किसी बड़े होटल में जाते हो, कहीं भी, तो आपका इम्प्रेशन वो टाइम में कैसा था और आपको क्या ट्रीटमेंट मिला, ये आप आपके लाइफ से मैच करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
इट मे नॉट बी द लास्ट बट इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. ये होना ही चाहिए. अगर आपको लगे कि लोगों ने आपको राजा बनाना चाहिए तो पहले राजा जैसा दिखो, राजा जैसा बिहेव करो. लेकिन इसमें ये हमने पिछले कई कुछ रूल्स में भी देखा है. फॉर एग्जांपल बी द बेस्ट कोर्टियर, अच्छे दरबारी बनो, ये जो रूल था उसमें यही बताया गया था द फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में. लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा है, वो पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं. हाउ यू कैरी योर सेल्फ रिफ्लेक्ट्स वॉट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. आप खुद को कैसा रखते हो ये दर्शाता है कि आप की खुद के बारे में आपकी क्या राय है. ये आपका पोशाक, आपका ड्रेस, आपका मेकअप, आपके अटायर्स, आपका वॉच होगा, ब्रेसलेट होगा, चेन होगी, ब्रोच होगा, कुछ भी होगा, कैप होगी, शूज होंगे, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो. मेरा एक क्लाइंट था, बहुत सालों के बाद मुझे मिला, तो उसने मुझे कहा कि सर एक बात आपने नोटिस की. मैंने बोला क्या? तो आप मेरे शूज़ देखिए. तो मैंने देखा, मैंने बोला बहुत बहुत अच्छे. तो क्या इसमें ख़ास बात क्या है? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोलते बोलते कहा था कि अगर सामने वाले को आपको जब भी जज करना है तो सबसे पहले उसके शूज़ देखिए, उसके जूते किस तरह के, या फिर सैंडल्स है, चप्पल्स है, वो किस तरह से. ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही हाई कॉस्ट और बहुत ही फैशनेबल होने चाहिए, बट इट शुड बी एलिगेंट. अगर शूज़ है भले थोड़े से पुराने लेकिन परफेक्टली पॉलिश्ड होने चाहिए. उसकी घड़ी देखिए कैसी है. अगर उसकी घड़ी बहुत ही स्लीम और ट्रिम है तो दैट कैन बी द क्लासी पर्सन. घड़ी अगर बहुत जाड़ी मोटी ऐसी बड़ी बड़ी घड़ी है तो ये एक चीज़ दिखाता है कि उस आदमी को खुद पर विश्वास नहीं है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये चीज़ दिखाता है कि आप बहुत ही शो ऑफ करने वाली चीज़ें दिखाते हो. मुझे एक फिल्म याद आ गई कि बॉम्बे टू बैंकॉक ऐसा कुछ तो एक फिल्म थी, और श्रेयस तलपदे हीरो था उसका. और उसमें जो विलन दिखाया, नसीरुद्दीन शाह का बेटा दिखाया, वो गैंगस्टर होता है और वो हमेशा बप्पी लहरी जैसी फुल ज्वेलरी से लदा हुआ होता है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स, ब्रेसलेट्स और ये वो सब. और वो डॉक्टर्स के कैंप में घुस जाता है वहाँ पे. तो एक लेडी डॉक्टर होती है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होती है, उससे वो बात करने लगता है. उससे वो कुछ तो धमकी वमकी देता है, तो वो तो उसको बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम में इतना तो दम ही नहीं है. वो बोला क्या मतलब क्या आपका? तो वो बोलती है अरे ये तेरी सारी ज्वेलरी, ये जो तूने सब कुछ पहना है ना, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है. तो अगर आप ऐसा कुछ पहन के जा रहे हो कि जो बहुत ही भद्दा सा लगे. कई औरतें मैंने देखा है कि मंगलसूत्र, बड़े बड़े मंगलसूत्र पहनती है, डायमंड के बड़े बड़े लॉकेट्स या बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनती है. ये चीज़ अगर आप शो ऑफ की जो चीज़ होती है वो एक चीज़ दिखाती है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर झूठ लग रहा है आपको तो आप किसी भी बहुत ऊंचे ओहदे पर जो लेडीज़ होती है, जो फीमेल्स होती है, जेंट्स में इतना ये दिखाई नहीं देता लेकिन जो फीमेल्स होती है उनके ज्वेलरी, ड्रेसेस, अटायर्स, मेकअप ये देखो, और जो नॉर्मल जो होती है उनका देखो. ये जो क्लासी वीमेन होती है उनका अगर नेकलेस होगा तो बहुत पतला सा होगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपका अट्रैक्शन इमीडिएटली सिर्फ उसी के ऊपर फोकस हो. बिकॉज दोज फीमेल्स आर वेरी पावरफुल फीमेल्स और उनमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास होता है, तो उन्हें ऐसे दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती. तो एक चीज़ याद रखिए, ऐसा कुछ भी आपके अटायर में नहीं होना चाहिए जो भद्दा दिखे, जो बहुत बड़ा दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. सिंपल होना चाहिए लेकिन एलिगेंट होना चाहिए, एकदम ग्रेसफुल होना चाहिए, सॉलिड ग्रेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है. एक्सूड कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग यू वेर डिस्टाइन फॉर ग्रेटनेस. वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो जो आपको चाहिए, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि
अगर ये मैंने खुद एक दो बार ट्राई किया है, मैंने जानबूझ के ट्रेन का टिकट नहीं निकाला, लोकल का। मैं चर्चगेट जा रहा था दादर से, तो मैंने टिकट ही नहीं निकाला जानबूझ के। मुझे पता था निकालना है टिकट, मैंने नहीं निकाला एक टेस्ट करने के लिए। और सॉरी, चर्चगेट नहीं, बॉम्बे सेंट्रल जाना था और मैंने टिकट ही नहीं निकाला। तो मैं सीधा गया वहाँ पे और मैंने टीसी से ये बात की कि वो बाहरगांव की ट्रेन की बुकिंग के लिए कहाँ जाना है मुझे। तो उसने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन उसने मुझे टिकट नहीं पूछा। कई बार ऐसा था कि उसके बाद कई बार मेरे पास पास था, टिकट था, लेकिन फिर भी ट्रायल के लिए मैं टीसी के बाजू से गुजरता था जानबूझ के, तो मुझे कोई नहीं पूछता था। याद रखिए, यही जो कॉन्फिडेंस होता है वो काउंट करता है। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप फाइव स्टार होटल में जाइए और लॉबी के एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस के जो गार्ड्स होते हैं, वहाँ थोड़ा सा हेजिटेशन दिखाइए। इमीडिएटली वो लोग आपको पूछेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप सीधा उनकी तरफ देखिए भी नहीं, सीधा कॉन्फिडेंटली चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। द थिंग्स आर वेरी ओपन, आर जनरली निग्लेक्टेड, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों के गहने पहन के यहाँ वहाँ घूमो, कोई नहीं पूछेगा आपको। ओके, लेट्स सी। डू नॉट कन्फ्यूज रीगल बेयरिंग विथ एरोगेंस। अब आप ये नए नए आने वाले मीडिया के स्टार लोग, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को देखिए, और फिर आप देखिए रतन टाटा, देन सुधा मूर्ति, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा, बिल गेट्स। इनमें एक विनम्रता है, एरोगेंस नहीं है उनमें, और एरोगेंस दिखाए बिना भी लोग उनको सम्मान देते हैं। लेकिन जिन जिनकी वो औकात नहीं होती, वो फिर एरोगेंस का सहारा लेते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं मीडिया में हूँ, बॉलीवुड का एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझे पता है, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि साले वहाँ सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़ों में आएंगे, सभी लोग ज्वेलरी पहनेंगे, सभी के फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं और सभी गुड लुकिंग और ग्रेसफुली दिखेंगे। तो अब साला मैं अलग कैसे दिखूँ? तो फिर एक बाय द ह्यूमन टेंडेंसी मैं एरोगेंस पहन लेता हूँ। एरोगेंस जो आप हीरोइंस में ज़्यादा देख सकते हो, और वो एरोगेंस आपकी जो पर्सनालिटी है वो उसको पूरी तरह से मार देगा। भले आपको टेम्पररीली सम्मान मिले, टेम्पररीली लोग आपके पीछे आए, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द सेकेंड टाइम, नो बडी विल केयर फॉर यू। कोई आपको भाव नहीं देगा वहाँ पे अगर आप एरोगेंट है तो। थर्ड, द डिग्निटी इज द मास्क यू एज्यूम अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। एक्ट लाइक नथिंग कैन अफेक्ट यू एंड यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रिस्पॉन्ड। ये जो डिग्निटी जो होती है ना मेरी, ये कई बार, मतलब इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारे लॉज में चर्चा कर चुके हैं कि हमको एक मुखौटा पहन लेना है, एक मास्क पहन लेना है, कि जैसे कि हम बहुत ही ईमानदार है, हम सत्यवादी है, हम ये है, हम वो है। मतलब जो जो चीज़ें मैंने आपको छोड़ने के लिए कही है, पावर के लिए, वो सारी चीज़ें हम में है और हम उसके प्रतीक है। ये मास्क हमें पहन लेना है हमेशा के लिए। क्यों? एक्ट लाइक नथिंग कैन अफेक्ट यू एंड यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रिस्पॉन्ड। आपको वो मास्क इस तरह से पहन लेना है, वो मुखौटा इस तरह से पहन लेना है कि आपकी सत्य प्रियता, आपका ईमान, कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ डगमगा नहीं सकती। इस तरह से आपको वो प्रोजेक्ट करना है, उसको आपको दिखाना है लोगों को कि आपको कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर मुझे सक्सेस लेट भी मिलती है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरे रास्ते से हटूंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब फालतू की जो चीज़ें होती है, जो सत्य प्रिय न्याय वगैरह, ये जो फालतू की चीज़ें होती है ईमानदारी जैसी, वो सारी चीज़ें आप में है, ऐसा मुखौटा आपको लेना होगा। लेकिन अगर कहीं गलती से आपका खुद का ईमान डगमगाए और ये सारी चीज़ें अगर आप में घुस जाए, तो फिर आपकी तो लग गई, फिर तो पावर भी और की बातें तो छोड़ दो, आपको तो नॉर्मल प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो डिग्निटी
इज द मास्क यू एज्यूम अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। हमेशा याद रखिए, ये हमारा मुखौटा है, ये हमारा मास्क है, ये हमारी क्वालिटी नहीं है। सेट योर प्राइस हाई एंड डू नॉट वेवर। ऐसा कहा जाता है कि आपकी कीमत कितनी है, जितनी आप लगाओगे उतनी। ओके, एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई भी चांस, कोई भी मौका, ये लाइफ का या दुनिया का आखिरी मौका नहीं होता, नेवर। और यही गलती लोग करते, लोग बार्गेनिंग में इजीली उतर आते, इजीली उतर आते। मैं आपको मेरे बारे में खुद का एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने कोट किया था अराउंड 5 लाख, ठीक है, कुछ 10-15 दिन का प्रोजेक्ट था, 5 लाख मैंने कोट किया था। लेकिन वो जो दूसरे का कंपनी वाले जो थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे कोटेशंस दिखाए दूसरों के, और वो भी रिपीटेड इसमें से थे कि ये लोग इतना कोट कर रहे हैं। किसी का 1 लाख था, किसी का 1.5 लाख था, 2.5 लाख था, 2.5 लाख के ऊपर किसी का नहीं था, उसके सीधा डबल मेरा था, 5 लाख था मेरा। तो डेफिनेटली उन्होंने बोला कि आपका कोटेशन तो बहुत ज़्यादा है और ये हो नहीं सकता है, ये सबके कोटेशन देखिए तो मैं उनको क्यों ना दूँ, वगैरह वगैरह चालू किया उन लोगों ने, बार्गेनिंग पे उतर आए। अब यहाँ पे मैं भी बार्गेनिंग पे उतर सकता था कि बाबा ये 2.5 लाख है तो मैं भी मेरी कीमत थोड़ी कम करता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक बार आपने आपकी कीमत कम करना शुरू कर दिया तो फिर सारा कंट्रोल जो है वो सामने वाले के हाथों में चला जाएगा, सामने वाले के हाथों में चला जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा कोटेशन जो था वो 1 पैसे से भी कम नहीं किया, 1 पैसे से भी। शुरू में मैंने उनसे ये कहा कि सर, मैंने दूसरी तरफ से सोचने के लिए उनको मजबूर कर दिया। मैंने उनसे कहा, सर आप ये देखिए कि मेरा कोटेशन इतना ज़्यादा क्यों है और उनका इतना कम क्यों है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो उसमें होनी चाहिए ज़रूर, मैं पागल तो नहीं हूँ कि। और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था, चलो 2.5 लाख कर दो और अभी का अभी चेक ले लो और प्रोजेक्ट कल से शुरू करो। मैंने कहा नहीं, इट वॉज़ अ डिसेंट ऑफ़र, एक्चुअली 2.5 लाख में भी काम हो सकता था लेकिन मेरा कोटेशन हाई था। तो मैंने उनसे कहा कुछ ना कुछ तो बात होगी ना कि मेरा कोटेशन उनसे डबल क्यों है, क्या आपने इस बारे में सोचा है मेरा डबल क्यों है, मैं पागल तो नहीं हूँ कि आपने मुझे 2.5 लाख दिखाया, आप दे रहे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे और मैं उसको ना बोल रहा हूँ, तो मुझे भी बिजनेस करना, मैं पागल तो नहीं हूँ, कुछ तो वजह ऐसी होगी जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे इस ये रेट में मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर वो भी लास्ट स्टेज पर उतरे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर नहीं हो सकता है वगैरह। मैंने बोला नो प्रॉब्लम सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आपको मेरा मिनिमम कोटेशन दिया है, उसके नीचे मैं नहीं आ सकता, और आपको अगर दूसरी कोई भी ज़रूरत पड़ गई, मैंने उनको एक हिंट दे दी कि अगर आपको उनके साथ काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन एनी वे कॉल मी, कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू एज अ फ्रेंड। और मैं वहाँ से उठ के चला गया। मैं घर पहुँचा तभी उनका फ़ोन आया, प्लीज़ कम, वी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि मैंने मेरी कीमत कम नहीं की। सेट योर प्राइस हाई एंड डू नॉट वेवर। चलिए यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ड्रेस है, सेम टू सेम, और सेम टू सेम ड्रेस दो लड़कियाँ पहन के आई है, आपकी दो फ्रेंड्स हैं, वो सेम टू सेम ड्रेस पहन के आई है, और ताज्जुब की बात यह है कि सेम कंपनी, सेम फैब्रिक, एवरीथिंग सेम, लेकिन एक ने कहा कि मैंने ये ड्रेस 5,000 में ख़रीदा और दूसरी बोल रही है मैंने ये ड्रेस 500 में ख़रीदा। एक्चुअली वो ड्रेस की कीमत 500 रुपया ही है, इसको किसी ने चुना लगा है। ओके, लेकिन आप क्या सोचोगी, हो ही नहीं सकता यार, ये ड्रेस सेम हो ही नहीं सकती है, दिखने में सेम है। अगर उसने कहा भी कि नहीं यार, वो आप सोचोगी वो जो 5,000 वाली है ना, वो ड्रेस बहुत अच्छा है, वो जेन्युइन है, और ये 500 वाला जो है ना वो डुप्लीकेट है, ये आप सोचोगे। क्यों? क्योंकि उसने उसकी प्राइस ज़्यादा लगाई है, ज़्यादा दी है उसकी प्राइस। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि जिसकी प्राइस ज़्यादा होती है वो अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, सभी लोगों के मन में जो होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, हालांकि कंडीशन उसकी टोटली रिवर्स है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब कसाईयों की दुकान होती है सिर्फ। सिमिलरली जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है, जैसे आईफोन, आईफोन और सैमसंग का जो S9, S11 वगैरह जो है, कई मामले में सैमसंग के S11 सीरीज के फोन आईफोन से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग आईफोन को प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है, उसको स्टेटस सिंबल बना दिया है उन्होंने। तो मैंने खुद को एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि आई एम एट वेरी हाई प्राइस, अगर आपने मुझे हायर किया तो यू आर सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। हालांकि ऐसा था नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट किया। इसलिए आपकी कीमत उतनी ही है जितनी आप खुद तय करोगे और उसके ऊपर डटे रहोगे, और उसके ऊपर आप बार्गेनिंग नहीं करोगे, वो आपकी कीमत होगी। एक बार आपने बार्गेनिंग शुरू कर दी ना, तो सामने वाला आपको बोतल में उतार के ही रहेगा। अगर वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, तो आप तो गए काम से फिर। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, डील विद द हाइएस्ट पर्सन इन द बिल्डिंग, डील विद द हाइएस्ट पर्सन इन द बिल्डिंग। ये ऐसा होता है कि कई बार मैंने देखा है कि लोग डरते हैं बड़े ऑफिसर से या ऊपर के लेवल के ऑफिसर से बात करने के लिए। लोग हमेशा डरते हैं, वो हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। ये गलती कभी मत करना। ऑलवेज स्टार्ट फॉर डीलिंग विद द हाइएस्ट ऑफिशियल, क्योंकि जब आप बिंदास्त विथ कॉन्फिडेंस किसी भी बड़े ओहदे के ऑफिसर से जाके बात करते हो ना, तब उसको लगता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई आता नहीं है बिंदास, तब वो उसको लगता है कि ये आदमी बहुत बड़ा है, वो आपको बड़ा समझता है। क्यों? क्योंकि आप खुद को समझ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ टॉप मोस्ट ऑफिसर से ही बात करूंगा, भले आपकी औकात ना हो उतनी। और हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती जाती है, ऑफिसर्स लेवल जैसी बढ़ती जाती है, आदमी उतना पोलाइट होता जाता है, उतना हेल्पफुल होता जाता है, उसका नेचर थोड़ा सॉफ्ट होता जाता है। और जो नीचे वाले जो रहते हैं ना, वो बहुत शाणे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला आपका काम करेगा, साला नीचे वाला नहीं करेगा। तो ऑलवेज डील विद द हाइएस्ट पर्सन इन द बिल्डिंग लिखा है। यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब होता है इन द ग्रुप, इन द पोजिशन, किसी आइडेंटिटी में। वहाँ पे आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप फाइव स्टार होटल में गए और लॉबी में बैठे हो आप, और अचानक आप वहाँ से उठे, रिसेप्शन पे गए और आपने पूछा, आई वॉन्ट टू मीट द लॉबी मैनेजर। तो इमीजिएटली आपका मतलब आपको कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ बताना है कि ये इंटीरियर बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू मीट द लॉबी मैनेजर, वहाँ पे सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे। वो पूछेंगे, यस सर, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? उनको लगेगा कि यू आर एट वेरी हाई पोस्ट, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद द स्मॉलर पीपल, यू वॉन्ट टू टॉक विद द हाइएस्ट अथॉरिटी, दैट्स ऑल। मुझे लॉबी मैनेजर से बात करनी है, तुम लोग से बात ही नहीं करनी है। वहाँ आप अपनी प्राइस ज़्यादा कोट कर रहे हो, ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो हमेशा याद रखना, आपकी कीमत, आपका ओहदा, आपकी प्राइस उतनी है जितनी आप डिसाइड करोगे। तो आप खुद को नीचा मत दिखाओ। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। अ गिफ्ट इज एन इक्वलाइजर, यू डू नॉट बेग बट आस्क फॉर हेल्प इन द डिग्निफाइड वे। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, ये हमने एक पूरा पॉइंट करके देखा था, एक लॉ करके देखा था कि किसी से भी अगर मदद मांगनी है तो भीख मत मांगो, मदद मत मांगो। उसको ऐसा दिखाना चाहिए कि ये मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, कि ये अगर तू मेरा काम करेगा तो उसमें तेरा भी फायदा है। अगर आप भीख मांगोगे ना, मदद किसी के हेल्प की भीख मांगोगे, तो आप खुद को नीचा गिरा दोगे पूरा। तो इसके ऊपर हम लोग ने एक पूरा लॉ देखा है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। यू शुड सी दैट लॉ अगेन, लॉ का नंबर मुझे याद नहीं। अगर आपने ये कंटिन्यूअसली पूरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये लॉ कौन सा है। तो ये जो चीज़ है, वो आपको डिग्निटी, आपको अपना रुतबा कायम रखना होगा। आपको किसी से मदद भी अगर मांगनी हो, तो ये जताना होगा कि आपको मदद करके सामने वाला प्रॉफिट में आने वाला है।
या सामने वाले को कुछ ना कुछ मिलने वाला है तो ही आपका रुतबा बना रहेगा। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, एज फार एज पॉसिबल किसी की कॉपी मत करना। जैसा फिल्म लाइन या बॉलीवुड या मीडिया में आने वाला हर कोई पागल न्यू कमर होता है, वो किसी ना किसी आइकॉन की कॉपी करता है, कि कोई शाहरुख की कॉपी कर रहा है, कोई आमिर की कॉपी कर रहा है, लेकिन वो लोग सारे जूनियर आर्टिस्ट ही रहते हैं ज़िंदगी भर, वो कभी ऊँचे नहीं हो पाते क्योंकि वो कॉपी कैट बन चुके हैं, वो कॉपी कर लेते हैं किसी की, भले थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन खुद की एक ओरिजिनल स्टाइल बनाना, एक ओरिजिनल ओरिजिनलिटी आप में होनी चाहिए, एक स्टाइल होनी चाहिए, ओरिजिनल स्टाइल, किसी की कॉपी मत करना। कॉपी करके आप कहीं नहीं जा सकते, फिर आप ना जोकर बन जाओगे उसमें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन द रूल नंबर 34। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। सो नाउ विल मीट इन द रूल नंबर 35। लेकिन तब तक मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर द वीडियोस एंड लाइक आल्सो इफ़ यू लाइक इट ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच, विल सी इन द रूल नंबर 35। टिल देन हैव अ नाइस डे।